हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने रियलिस्टिक आइज ड्रा की है और मैं बता देती हूँ उसमें कौन कौन सा मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। यह है शॉर्पनर, इरेजर, स्केल मेज़र करने के लिए, यह है मैकेनिकल पेंसिल, ये है बी पेंसिल, ये है 6B पेंसिल और ये है ब्लेंडिंग स्टफ जो मैंने घर पे बनाया है। ये है 10B पेंसिल। बस तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप आउटलाइन ड्रा कर लीजिए, चाहे पेंसिल से मेज़र करके चाहे स्केल से आउटलाइन ड्रा कर लीजिए। मेरी आउटलाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी और अब मैं शेड करूंगी। और फ्रेंड, जो शेडिंग होती है, शेडिंग का हमें बहुत ही
ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे एकदम डार्क करें, जहाँ पे एकदम लाइट है वहाँ पे एकदम लाइट रखें। ये नहीं कि जहाँ पे एकदम हल्का शेडिंग करना है वहाँ पे एकदम गाढ़ा कर दिए, एकदम डार्क कर दिए, तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। जहाँ पे जैसा मांगता है वहाँ पे आप वैसा करिए, तब जाके हमारी ड्राइंग एकदम रियलिस्टिक लगेगी। इन्हीं सब की वजह से तो हमारी ड्राइंग एकदम रियलिस्टिक लगती है। अगर फ्रेंड हम एकदम पूरा एक जैसा शेडिंग कर देंगे ना, तो हमारी ड्राइंग एकदम फ्लैट फ्लैट दिखेगी, उसमें एकदम रियलिस्टिक लगेगा ही नहीं वो। इसीलिए हमें इन सब बातों को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का, ड्राइंग करते समय कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है, और हाईलाइट कहाँ पे करना है फ़ोटो में, आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, तभी जाके हमारी ड्राइंग एकदम रियलिस्टिक लगेगी। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाहती हूँ, वो आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड जो हमारे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।